अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लीगल अपडेट्स के आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम उन दोस्तों के हवाले से गाइडलाइन है जो किसी कारोबार से वाबस्ता है और फाइलर होना चाहते हैं। FBR के सिस्टम में बतौर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर फाइलर के तौर पर अपना एनरोलमेंट के जो ख्वाहिशमंद हैं और फाइलर बनना चाहते हैं, उन दोस्तों के हवाले से आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी लीगल कंसल्टेंट के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास तशरीफ़ ले जाते हैं कि वो आपको FBR के सिस्टम पर रजिस्टर्ड करें, NTN बनाएं आपका और आपका गोशवारा भर के आपको ATL लिस्ट पर फाइलर के तौर पर एक्टिवेट कर दें, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है। आप कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएं ताकि आपके इनरोलमेंट, आपके ID कार्ड, नादरा का जो कंप्यूटराइज CNIC शनाख्ती कार्ड है आपका, उसके मुताबिक आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका पता, आपका CNIC नंबर और तमाम डाटा उसके मुताबिक फिल हो ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो सके। सेकंड चीज़ आपका बिजनेस पैड, कि किस नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो पैड है, बिजनेस पैड जिस पर आपके बिजनेस का नेम, एड्रेस, आपका नाम, आपका सेल नंबर, बिजनेस एड्रेस आपका जो दर्ज होता है वो आप साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ आप कमर्शियल मीटर आपका जो लगा होगा वापडा का कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, उसका बिल, 12 माह के बिल, 12 माह कब से, 1 जुलाई 2022 से, हम इस 2022 की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक, और नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। इसके साथ आपका सिम जो आपके शक्ति कार्ड नंबर पर रजिस्टर्ड हो, वो सिम आपने एक्टिव हो ताकि जब आपके FBR पर रजिस्ट्रेशन हो तो आपके ही नंबर पर मैसेज आ सकें और वेरीफाई हो सकें, और आपका जीमेल जो है वो आपका उसी सिम पर बना होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट इशू इसका ये है कि FBR की तरफ से जो भी कम्युनिकेशन होगी, कोई भी आपको नोटिस आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट है, तो आपके उन्हीं मोबाइल नंबर और जीमेल पर ही आएगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हुई है कि आपका अगर दुकान अपनी है तो उसका सबूत मलकियत, और अगर दुकान किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट लेकर जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी तफसील आमदन, कि आपने पूरे एक साल के अरसे में क्या आपकी आमदन हुई और क्या अखराजात हैं और क्या आपने बचत की, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। इनकम तो डेफिनेटली सिंगल है कि जो आपने कमाया आपकी, यानी कि आपकी मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की परचेज है और उसमें से आपके 10 लाख की, 12 लाख की बचत आ जाती है, उसमें से आपके बिजनेस एक्सपेंस निकलेंगे, तो बिजनेस एक्सपेंस निकालने के बाद जो आपकी दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, मुलाजमीन के अखराजात हैं, प्रोफेशनल टैक्स है और दीगर जितने भी दुकान पे अखराजात हो जाते हैं, फ्रेट है, ट्रेवलिंग है, इंटरटेनमेंट है, स्टेशनरी होता है, तो मल्टीपल अखराजात होते हैं कारोबार के, वो सब निकालने के बाद जो आपका बचत होगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में आएगी। उसके बाद फिर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस बताने के, आपके फैमिली एक्सपेंस कितने हैं, आपके घर के हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने हैं, वापडा के बिजली के एक्सपेंसेस कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसको हम बोलते हैं, टेलीफोन मोबाइल के अखराजात कितने हैं, बच्चों के तालीमी अखराजात कितने हैं, बिजनेस एक्सपेंस के साथ साथ आपके पर्सनल एक्सपेंस कितने होते हैं, और वो सारे के सारे आपने मेंशन करने हैं, जिसमें गैस है, वाटर है, मोबाइल है और व्हाटसोएवर, मेडिकल अखराजात हैं आपके, कि जो कि आपकी हेल्थ के हवाले से कि आपने कितने एक्सपेंस किए, तमाम एक्सपेंस जो है आपके वो करीब करीब, जो हकीकत के करीब है, वो आपने कंसल्टेंट को तफसील से बताएं। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके असासे जात हैं, कि आपके असासे जात उसको कहते हैं कि आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, पैसे कितने हैं, सोना कितना है, गोल्ड प्रीशियस पोजेशन कितनी है, प्राइस बॉन्ड्स कितने हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर
और व्हाट्स एवर किसी भी तरह की आपके पास असासे जात क्या हैं, आपकी ज़रूरी राशि कितनी है, कमर्शियल कितनी है, दुकान कितनी, मकान, प्लाट, प्लाजा, व्हाट्स एवर जो कुछ भी आपके पास है उन सब का, अगर विरासती है तो ठीक है, और अगर परचेज़ किए हैं तो फिर डेट ऑफ परचेज़ और वैल्यू ऑफ परचेज़ ये आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट को ज़रूर बताने हैं। इसके अलावा आपके अगर जिम्मे कोई अखराज आते हैं, आपने किसी से कर्जा लिया है, कोई बैंक से लोन लिया है, किसी प्राइवेट पर्सन से लिया है, कोई लोन पे गाड़ी ली है, या कोई और चीज़ जो आपने अदा करनी है, या आपकी कोई दिगर एनुइटी है, कोई आपने टैक्सेस पे करने हैं, इसके अलावा आपके पास दस्ती रकम कैश इन हैंड कितनी है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, बैंक अकाउंट का नाम, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी इसी अरसे की आपने देनी है। लेट्स सपोज आप इस अरसा में, इस साल अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो आपने 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक की बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा लेनी है, एक बैंक है, दो बैंक है, जितने भी हैं, तो तमाम डाटा आपने इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर ज़रात है मिसाल के तौर पे, आप कारोबार के साथ आपकी ज़रूरी आमदन भी है, या आपकी दुकान आते हैं किराया आता है वहाँ से रेंटल इनकम है, या आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो व्हाट्स एवर जो भी है, और पूरे साल में अगर आपने कोई टैक्सेस भरे हैं, कोई गाड़ी ली है उस पर टैक्स भरा है, कोई प्रॉपर्टी ली है उस पर टैक्स भरा है, 236(k) 236(c) भरा है, परचेज पे, खरीद पे, फ्रॉक पे, वो सारे एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, इन सब की स्लिप्स जो हैं अपने लीगल कंसल्टेंट को दें, ताकि आपका लीगल कंसल्टेंट प्रॉपर आपको फाइलर कर सके। तो कभी भी फाइलर होने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें कि अगर आप अपने एहसास छुपाएंगे तो हो सकता है कल को कानून की गिरफ्त में आ जाएं आप, क्योंकि कंसीलमेंट करना एक जुर्म है, और हम सब का कौमी फरीजा है कि हम अपने तमाम असासे, तमाम एक्सपेंस और सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल हकीकत के करीब अपने गोशवारों में दिखाएं, ताकि ऑडिट की किसी भी प्रॉब्लम से कल को हम परेशानी से बच सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक करके लाइक का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम के साथ मिलती रहें, और लीगल अपडेट्स के साथ आप हमेशा अपडेट रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।